हेलो राकेश जी, अरे राकेश जी हम कोरोना थोड़ी ना, राकेश जी यहाँ पे कौन कोरोना कौन सा भेष में आ जाए मालूम नहीं। नाइस ड्रेस, क्या बात है। अरे राकेश जी थैंक यू। हेलो कैसे हो, जाने नहीं दे रहा अंदर। ये मेरा फैन है, रोज तो देखता हूं। ये साइड में आ जाओ राखी जी, लाइट नहीं है। अरे आना यार ये साइड में। हेलो कॉफी वाला, कॉफी दो। ए भाई, अरे दूसरा भी आ गया, उसका भाई आ गया, बड़ा भाई है यार, इसको हटाओ यार। रुक जा रुक जा, आ जा बे। यार तुम लोग कुत्ते हटाओ यार, ऐसे कैसे करते हो। ये मेरे को काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो अभी कितने लेने पड़ते हैं, कितने? अरे क्या, अरे यार तो मतलब ये चाहता है कि मेरे को कुत्ता काटे और मैं 3 इंजेक्शन लूं। मेरा कार्ड चलना चाहिए ना, ये तो फुफड़ में दे दी कि उधार में रखती नहीं हूँ मैं, किसी का उधार नहीं रखती। पहले साइड वो कार्ड, कभी कभी होता है कार्ड काम नहीं करता, यू नो आजकल बैंक वाले भी छुट्टी पे है। एक मिनट इधर बहन, इधर आ, तेरा हाथ दे मेरे को, ले सने ड्राइवर को छोड़ दो। भाई तू ले, ले ले, सब लोग लो, सब लोग लो, सब लोग लो, ये तो फ्रीका है सौरभ, ये चलो। अब वो तो है बट बाकी भी एक बार चेहरा दिखा। अरे मैं सब दिखाती हूँ, रुको तो। ओके राखी, बिल तो पे कर दूँ। देखो मैं आज, एक मिनट, मैं आज आप सबको उठा रखूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना कैसे फैला। कैसे फैला राखी जी, बताओ थोड़ा। तो थोड़ा सा दूर तो रहो, थोड़ा सा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। इसका मिक्सर चला। देश के कितने लोग 10 कमांडमेंट्स के बारे में जानते हैं? 10 कमांडमेंट्स वो है जो ईश्वर की तरफ से एक लक्ष्मण रेखा आई है। 10 कमांडमेंट्स क्या आप जानते हो? आप जानते हो भाई, आप जानते हो, आप जानते हो, मैं जानती हूँ। 10 कमांडमेंट्स वो है जब ऐसी महामारी है भाई बहन, के ऐसी बीमारी आती है हजारों सालों के बाद, बनकर हजारों सालों के बाद ऐसी बीमारी तब आती है जब लोग सुनते नहीं है। सुनो 10 कमांडमेंट्स। पहला कमांडमेंट, झूठ नहीं बोलना। दूसरा कमांडमेंट, चोरी नहीं करना। तीसरा कमांडमेंट, भाई भाई से लड़ाई नहीं करना। चौथा कमांडमेंट, सास बहू, माँ बेटे, भाई भाई लड़ाई नहीं करना। पांचवा कमांडमेंट, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का मतलब होता है शादी से पहले डिंग डॉन्ग, और शादी के बाद भी कोई लोग गलत काम करते हैं वो भी नहीं करना। ये परमेश्वर की तरफ से कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट, मतलब 10 लक्ष्मण रेखा रूल्स। ये राखी सावंत आप लोग को सिखाती है, सुनो। और छठा है कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही नहीं देना। ओए छठा है कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही नहीं देना। सातवां है माँ बाप को प्यार करना, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, अंतिम तक उनकी सेवा करना। और कितने बचे,
तीन बच्चे क्या? हाँ, दस बोले ना आपने। थर्ड वाला मेरे को कहिए कितना, सात हो गए? हाँ। सात है। और ईश्वर की आराधना करना सुबह शाम रात को, ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानना, सबसे नंबर वन पे ईश्वर होना चाहिए, उसके बाद पति पत्नी सब लोग, माँ बाप। और दूसरे दो बच्चे हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट सबका भला करना, भूखों को खिलाना, सबकी मदद करना। परमेश्वर कहता अगर तुम्हारे पास दो कुर्ते हैं तो एक कुर्ता पहन, दूसरा दे दे, है ना? बिल्कुल सही बात दोस्तों। इसीलिए मैं 10 कमांडमेंट्स में से 7 पर तो मैं बिल्कुल गौर कर रही हूँ, 7 पर तो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है छोटा मोटा गलती, तो मेरे से भी हो जाता है छोटी मोटी गलती, ईश्वर माफ कर देता है। लेकिन आप लोग फोन करते हो, एक मिनट, हेलो डार्लिंग, कैसे हो जानू, जादू टोना मोना जानू, कैसे हो? 24 घंटे बात करते हो, ठीक है, लव लपाटा करते हो फोन पे पूरा दिन, ईश्वर के लिए टाइम कहाँ है? नहीं है गॉड के लिए टाइम। हेलो मम्मी पापा डैडी पड़ोसी भाभी भैया जानू बॉयफ्रेंड उसका भी पड़ोसी 10 के पड़ोसी, ईश्वर के लिए टाइम है? नहीं है। खाना खाते हो, हेलो खाना क्या बनाया आज, डिनर पे चले, डिस्को चले, टकेला शॉट लगाए, दारू पिए, पार्टी करे, ईश्वर के पास टाइम है? ईश्वर के लिए नहीं है। पार्टी करते हो, हर चीज करते हो, ईश्वर ने कभी तुम लोगों को नहीं रोका, लेकिन पहले नंबर पर ईश्वर को रखो, परमेश्वर को रखो, उसके बाद दुनियादारी करो। मुझ पे हंसोगे ना तुम लोग, मुझ पे हंसोगे ना मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरा ऊपर वाला है, मुझ पे हंसना मत। जिसका जिस पे लोग हंसते हैं उसी का घर बसते हैं। तो इसीलिए दोस्तों राखी सावंत की बात लिख के रख लो, पहले ईश्वर, ईश्वर के साथ हमेशा चलोगे तो कभी भी ये कोरोना नहीं होगा। ए भैया पीसो मेरी कॉफी बनाओ। अरे मैं तो दोनों मास्क पहनती हूं। आपको वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा वो बता दो, आप चुप दिखा रहो, आप डालो अपने पे, बहुत चले। मुझे तो बता ही नहीं मेरा कोई वीडियो आ गया। मैं बताता हूं ना, इधर देखो, मैं तो लोगों को समाचार देती हूं, मैसेज देती हूं। राखी जी नीचे आओ, इधर देखिए राखी जी। अभी थैंक यू करोना, जा 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 करोना, भाग करोना, गो गो गो, तुझे ऐसा गो गो गो, बोलो सब लोग करोना गो 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 गो, भाग ले करोना वरना मैं तुझे जला दूंगी, निकल जा यहां से। हाँ बोल दो आजकल तुझसे भी मुझे अंदर आने नहीं देते कॉफी लेने, बोलो भूखे थे, कॉफी इतनी फेमस हुई है, मुझे कुत्ते अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? बोलो भूखे थे, तो भूखे थे क्या, मेरे को खा जाएंगे क्या? कॉफी रेडी है, रेडी है क्या? मुझे इन्होंने एक कॉफी गलत बनाई, लेकिन इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। कॉफी पे लिखा है राखी सावंत का नाम, ठीक है ना? हेलो राखी जी, रुको बोलना। तुम लोग यार मेरे को कैसे पकड़ लेते हो, तुमको कैसे पता चलता ये मेरा अड्डा है? कॉफी वाला बोलता है, कॉफी वाला बोलता है ये लोग चुगल, ए तुम लोग बताते हो क्या मैं इधर आता हूं? नहीं, फेमस है ना यहां की कॉफी, राखी जी को बहुत अच्छी लगती है यहां की कॉफी। आजा चल राखी जी, जहां पे सारा खड्डा है वही राखी सावंत का अड्डा है। कल भी इधर ही मिलेंगे राखी जी, कल हां ना, टाइमिंग भी अच्छा है मेरा। आपके फैन हो गए देखो कॉफी वाले भी, आपके फैन हो गए शायद ही, कॉफी वाले बहुत सब फैन है, पूरी दुनिया तो फैन है यार आपका। अरे नहीं भाई, मेरा ईश्वर फैन हो बस, मुझे सिर्फ चाहिए कि परमेश्वर मेरा फैन हो, और मैं हमेशा परमेश्वर की राहों पे चलती हूँ। ए किसका है बे ये स्कूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। बैठो गिर तो नहीं जाऊंगी, ऐसे बैठ जाओगे? अरे मेरा ड्राइवर है ना राम, वो आ रही हूँ।
अरे थोड़ा पीछे आ जा, व्हाइट शॉट मिलेगा रे, तू बहुत आगे आगे रहता है। ब्रेक ले रहा था भाई। क्या क्या अरे मास्टर अंडे मुगन और क्या बात, पांडे की गाड़ी हिट हो गई। और हाँ सुनो मेरी बात, आजा आजा आजा, अभी आपके घर में कोई बैल बचा है सैनिटाइजर मारो ऐसे। देखो अभी ये बाइक पे मैंने मार दिया, ठीक है, इस बाइक पे किसने हाथ लगाया होगा। जब बिल लेते हो तो बिल लेके तुरंत हाथ में सैनिटाइजर मारो। कोई भी चीज़ बाहर से लेते हो, पिज्ज़ा लेते हो, खाना लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप लोग हाथ में सैनिटाइजर मारो, है ना। अब इस ये हमारी ज़िंदगी है सैनिटाइजर, तो इसको लेकर घूमो। ये वाला ये कैसे हो गया? बहुत अच्छा है, ठीक है। राखी जी कल कहाँ मिलेंगे? यहीं पे। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कल कब मिलोगे वो गाँव? अच्छा तो मैं चलती हूँ यही पे अड्डे पे, कॉफी के अड्डे पे। सब बोल दिए। अरे चुप रहा छोटू, जन्मा भी है कल, रील घर में बना। छोटू की बहुत डिमांड बढ़ रही है। अच्छा कल भी आप इसी टाइम पे? कल देखेंगे, कल देखेंगे इस टाइम पे। हाँ वो भेजता हूँ वीडियो आपको। हाँ भेजो। बाय। हम इंतजार करेंगे। मेरे दोस्तों को मेरा मैसेज फैलाओ ताकि वो लोग सुरक्षित हो जाए। ओके राखी जी, बाय बाय।